वो ट्यूशन वाली नौकरी मिलेगी ना मुझे? आई एम वेरी सॉरी खन्ना, उस काम के लिए उन्हें किसी बूढ़े प्रोफेसर की जरूरत है, नौजवान की नहीं। अभी अभी यहाँ आया हूँ, मैं प्रोफेसर खन्ना हूँ। इस घर में तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं साफ साफ सुन लो। दो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में उन पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा सकती, इसलिए उन्हें घर पर ही पढ़ाओगे। मुझे रुलाने वाला, आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। बड़ा ही अजीब कोट आपने बनवाया था, दोनों तरफ पहनिएगा क्या? जी हाँ, एक तरफ जवाने के लिए और दूसरी तरफ बुढ़ापे के लिए। क्या नाम है आपका? विमला। ओह, क्या देख रही हैं आप? तुम्हारी शक्ल कोई जानी पहचानी सी, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे चाचा से बहुत मिलती है। माँ बच्चों को पढ़ाने गया है या नाटक खेलने? ये तो मुसीबत है माँ, पढ़ाने के साथ साथ मुझे नाटक भी खेलना पड़ता है। कॉलेज में तो बड़ी लगन से नाटक खेला करता था, अब क्यों पसंद नहीं? यही तो मुसीबत है माँ, वहाँ दिल लगने के बाद भी वो नाटक खेलने को मेरा दिल नहीं मानता। बातों ने मुझे मजबूर कर रखा था, एक तो मेरी बेकारी, दूसरी माँ की बीमारी, दूसरी शादी मेरी सहेली सीता देवी और प्रोफेसर साहब की। हमारी माँ ने इस दुनिया में सोचा था आपसे माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन माँ नहीं जल्लाद है आप। तुमने मुझे जल्लाद कहा? जी हाँ, जल्लाद कहा। एक मासूम बच्चे को जो इतनी बेरहमी से पीटे, वो जल्लाद नहीं तो और क्या है? क्या किया है आपने माँ बनने के लिए? कभी प्यार से अपनाया है उन्हें, कभी सीने से लगाया है उन्हें, उनकी यतीमी पे कभी आंसू बहाए हैं आपने?